देवभूमि उत्तराखंड विभिन्न मंदिरों का स्थान है। यहाँ हर मंदिर की अपनी मान्यता और अपना इतिहास छिपा हुआ है। ऐसा ही एक मंदिर है वीरभद्र मंदिर। मान्यता है कि 1300 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान शिव ने वीरभद्र का क्रोध शांत किया था और तभी से यहाँ वीरभद्र शिवलिंग के रूप में विराजमान है और ये मंदिर वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब माता सती अपने पिता के आयोजित यज्ञ में पहुंची, तब वहां उनके पिता ने भोलेनाथ के लिए कई अभद्र बातें कहीं। इन्हीं बातों को सुन सती इन्हें सह ना पाई और हवन कुंड की अग्नि में कूदकर खुद की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। रास्ते में उन्हें जो भी दिखता वो उसका गला काट देते। जब वीरभद्र ऋषिकेश पहुंचे तो वहां भगवान शिव ने उन्हें गले लगा लिया, जिसके बाद वे शांत हुए और वहीं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से इस क्षेत्र को वीरभद्र क्षेत्र और इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है।